इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। लोकसभा चुनाव में भले ही राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी योजना न्याय योजना नाकामयाब रही हो, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में न्याय योजना लागू हो सकती है। राजस्थान में निकाय चुनाव संपन्न होने वाले हैं और इनके नतीजों को देखकर गहलोत सरकार आगामी पंचायत चुनाव से पहले न्याय योजना सूबे में लागू कर सकती है। न्याय योजना को लेकर राजस्थान में भी बड़े स्तर पर विचार चल रहा है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव में की गई घोषणा को राजस्थान में जल्दी लागू करेंगे। सूत्रों के मुताबिक निकाय चुनावों के नतीजों का आकलन कर गहलोत सरकार पंचायत चुनाव से पहले इस योजना को राजस्थान में लागू कर सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि शुरुआत में यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में ही शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव जीतने की स्थिति में पूरे देश में न्याय योजना लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत जिन परिवारों की मासिक आय 6000 रुपए से कम थी उन परिवारों को सालाना 72000 रुपए देने की घोषणा थी। हालांकि राजस्थान में जब ये योजना लागू होगी तो उसमें क्या कुछ नए प्रावधान किए जाएंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन इससे पहले राजस्थान सरकार के सामने चुनौतियां भी कई होंगी, जैसे न्याय योजना लागू करने के बाद कैसे वह राजस्थान की वित्तीय स्थिति को संभाल सकेगी ये देखने की बात होगी। वहीं अजमेर से भाजपा नेताओं ने न्याय योजना पर कई सवाल खड़े किए। देखिए क्या कह रहे हैं न्याय योजना पर अजमेर के भाजपा नेता और कांग्रेस नेता। वैसे तो राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये कोई भी योजना लागू करें जनता का उस पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। किसानों के उन्होंने कर्जे माफ़ की लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि 99,000 करोड़ चाहिए थे, अभी तो जितने की उसके कारण कामकाज ठप पड़ा है। और ये जो न्याय योजना लागू कर रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि बच्चों को किसी प्रकार कोई न्याय मिलेगा नहीं, यह भी उसी तरह फ्लो साबित होगा। जनता जागरूक है, इस प्रकार के चुनाव में इन घोषणाओं की और इन प्रकार की योजनाओं का किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। युवा और आज मतदाता इस बात से आग्रह है कि पिछले 5 सालों में हमने अच्छा काम किया और साल भर में जिस प्रकार से शासन तंत्र फेल हुआ है कि वो दिल्ली बैठ करके अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, इस पर जनता इनके प्रति किसी प्रकार कोई झुकाव नहीं है। वातावरण राष्ट्रवाद का है, लोग राष्ट्रवाद के साथ जुड़ करके निगम के और निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाएंगे। देखिए राहुल गांधी जी को मैंने अभी 2 महीने संसद का सत्र चला है, बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। मैं तो कह रहा हूँ एक मंद बुद्धि का व्यक्ति है, क्या कहता है वो खुद को पता नहीं रहता है। और उन्होंने तो पहले आप तो ये कह रहे हो विधानसभा चुनाव में बहुत जुमले उन्होंने गाड़े, क्या क्या शब्द बाल दिखाए, स्वप्न दिखाए, अन्नदाता को कहा सारे कर्जे तुम्हारे माफ़ कर देंगे, कौन सा कर्जा माफ़ किया, नौजवानों को कहा 3,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 3,500 रुपये नहीं दिया, ऐसे 72,000, ये सारे झूठे हैं, कयास है, कुछ नहीं है, छलने का काम है, परंतु जनता इनको समझ चुकी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा चाहे नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका, आने वाले जो चुनाव हैं जो इनके निकायों के चुनाव उसमें हम भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट जनता में एक विश्वास खड़ा हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, अब ये वाकई में आम जनता ये गांव का किसान मजदूर अशिक्षित व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ चुका है कि इस देश का भविष्य नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, इसलिए हम भारी मतों से जीतेंगे। और ये राहुल गांधी जी का या अपने गहलोत जी के जो ये सपने दिखा रहे हैं सबको पता है काहे का। मैं तो ये कह रहा हूँ आज 8 महीना हो गया इस सरकार को बने हुए, प्रदेश की सरकार को ऐसा 100 रुपये का काम बता दें कि राज्य सरकार से स्वीकृत हुआ और वो काम पूरा हो गया। आप तो 72,000 की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है जो विकास पर विश्वास करती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम भारी मतों से नगर निकाय चुनाव में जीतेंगे, कुछ भी वो छल ले। बाकी अब जनता उनको समझ चुकी है, उनको नकार चुकी है, यही मेरा कहना है।
देखिए, हमारे राहुल गांधी जी ने एक वादा करा हुआ है न्याय योजना का। न्याय योजना में आपको पता है कि साल के 72,000 रुपये महीने महिला मुखिया जो है उसके खाते में जाएंगे। ये एक तरह से उन परिवारों के लिए है जो बिल्कुल गरीबी के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको शायद एक टाइम खा लेते हैं तो दूसरे टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या खाएंगे। तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के मसीहा बन करके उन्होंने गरीबों के लिए सोच करके ये न्याय योजना उतारी है। और निसंदेह इस योजना का जो असर है नगर निगम के चुनाव है उस पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जब ये समझ में आएगा कि लोगों को जिनको कोई आर्थिक उनकी सहायता करने वाला नहीं है, कोई उनकी आय का स्रोत नहीं है, उन लोगों के लिए जब ये योजना उनके लिए कारगर साबित हो रही है तो हमें लगता है आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और कांग्रेस के लिए 100% परिणाम लेकर के आएगी योजना। देखो, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ऐसी ऐसी स्कीमें गरीबों के लिए दी है जो गरीबों के हितार्थ में दी है। भाजपा शासन ने सिर्फ इमोशनल दावे करने के रुख में कि किसी तरह बस भावनात्मक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुद्दा या ये कश्मीर मुद्दे इस पे, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो ऐसी योजनाएँ, ऐसी स्कीमें जिससे आम जन को, आम पब्लिक को लाभ पहुँचे और उनका हित हो, गरीब महिलाओं का, गरीब बच्चों का, गरीब बुजुर्गों का, गरीबों का, बीमारों का, तो इस तरह की योजनाएं तो कांग्रेस पार्टी ने ही, कांग्रेस सरकारों ने ही दी है। न्याय योजना जो राहुल गांधी जी ने दी है वो भी लोगों के हित में, मतलब 72,000 रुपये सालाना की जो स्कीम लागू करी थी। अब चूंकि योजना ऐसी है कि उनकी जो सोच है, सोच बहुत जमीनी स्तर की और लोगों के हितार्थ में है, लेकिन उसको लागू किस तरह से करना और लागू उसका होना, जैसे नरेगा है, नरेगा की शुरू में बहुत बुराई हुई थी। नरेगा एक इस तरह की स्कीम है जिसकी पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ हुई। अगर नरेगा या इस तरह की स्कीमों को अगर ब्यूरोक्रेट्स तरीके से लागू करें जमीनी स्तर पे, धरातल पे, अपने अपने क्षेत्रों में, तो ये योजनाएं वाकई में आमजनों के हितों में है। लेकिन अगर योजनाएं लागू नहीं होगी तो कोई सोचेगा, किसी भलाई के लिए सोचेगा, उसका लाभ गरीबों को, जनता को कैसे मिलेगा? जैसे आने वाले नगर निगम के चुनाव में, आने वाले चुनाव में, जैसे नगर निगम के जो अभी अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर में भी आने वाले चुनाव में ये धरातल स्तर पे, चूंकि लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं आज, चाहे आर्थिक स्थिति पे देख लो, लोगों के धंधे देख लो, व्यापारियों से पूछ लो, कहीं भी जाके पूछो, तो अगर प्रोग्रेस के लेवल पे लें तो प्रोग्रेस तो है नहीं। हाँ, लेकिन अगर इमोशनल स्तर पे लें तो इमोशनल स्तर में एक भाई भाई की जैसे अगर किसी को भावनाएं भड़का के तो कुछ भी किया जा सकता है। तो हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो भाजपा की जो और मोदी जी की है वो स्कीमें लोग समझ रहे हैं कि ये किस तरह से लोगों को अपने मानसिकताओं को अपने जाल में फंसाते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो स्कीम है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है, कांग्रेस की जो नीतियाँ होती है वो सबको साथ लेके चलनी होती है, चाहे कोई किसी भी जाति का, धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख इस्लाम, कोई किसी भी धर्म का हो, कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। चाहे हमारे नेतृत्व ले लो, राहुल गांधी जी की ले लो, चाहे हमारे प्रदेश स्तर पर सचिन पायलट साहब, गहलोत साहब, किसी की भी नीति यही होती है कि सब समुदायों को साथ लेके चलें। और इन भाजपा की नीति ये रहती है कि सिर्फ एक समुदाय पे सेंट्रलाइज करना, उस एक समुदाय को भी वो लोग सिर्फ एक टाइम बींग चुनाव जब इलेक्शन आते हैं उसके नज़दीक उसको, इसकी इमेशंस को कैश करते हैं वो एक समुदाय भी। क्या हम उस समुदाय में नहीं? हम भी समुदाय में हैं, उसी समुदाय में, लेकिन अगर किसी समुदाय का सिर्फ भावनात्मक यूज़ करना तो वो गलत है। तो हमारा कांग्रेस का जो नगर निगम के अभी जो चुनाव होंगे, लोग समझ रहे हैं, लोग तोलेंगे, कैंडिडेट्स को तोलेंगे, उसके आधार पे हमको पूरी उम्मीद है कि हर हाल में अजमेर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और दूसरी बात है, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो एक बट नेचुरल है कि उसका भी फायदा, जिसकी सरकार होती है उसको थोड़ा सा बेनिफिट उस सरकार को, उस संगठन को जाता है, तो ये बेनिफिट भी हमारे पास रहेगा। तो सरकार, चूँकि राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है और अच्छा कांग्रेस का अच्छा माहौल है, इस दिशा में हम लोग को ये पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले नगर निगम चुनाव है उसमें अजमेर में बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और बहुत अच्छी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि 6-7 महीने के अंदर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दुर्गति की है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात हो, जो हमारे कार्यकाल, हमारे टाइम में जो सड़कें सेंक्शन थी वो सारी इन्होंने बंद कर दी। अब ये नई योजना की बात करते हैं, आजकल बगुरु में आपने देखा ही था किस तरह से दो पूर्व विधायकों को पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया। जितने लूटपाट, हत्या और बलात्कार इस 6-7 महीने में हुई कांग्रेस के शासनकाल में, मैं नहीं मानता कि कई वर्षों के अंदर हुई हो। तो इसलिए इनकी जो योजना बिल्कुल फ्लॉप है और ये राजस्थान की जनता को कितने भी लोक लुभावनी योजनाएँ लागू करने की सिर्फ थोड़ी घोषणा ही कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर सब जानते हैं कि कांग्रेस शासन करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है
और अब राजस्थान की जनता हर तरफ से इनसे त्रस्त है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव हर हाल के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अभी छात्र संघ के चुनाव में देखा होगा कि राजस्थान के अंदर 1900 बड़ा साफ हो गया, विद्यार्थी परिषद भारी प्रचंड बहुमत से सब छात्र संघों पर उन्होंने विजय हासिल करी और कुछ पे निर्दलों ने भी विजय हासिल करी, लेकिन 1900 बड़ा साफ हो गया। इससे बिल्कुल ये संकेत है कि राजस्थान का मतदाता जाग चुका है और कांग्रेस के सफाई के लिए आतुर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गहलोत जी की हर योजना आपने देखी होगी। विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाओं के उन्होंने नाम गिनाए थे, चाहे वो किसानों के बारे में हो चाहे युवाओं के बारे में हो, कई तरह के लोक लुभावने उन्होंने वायदे किए थे। और आज उनको दिख रहा है कि नगरपालिका के चुनाव आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, वो उसी बात को रिपीट करना चाहते हैं जो पहले उन्होंने विधानसभा में की थी। प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है और जानती है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है और उनकी न्याय योजना किस तरह की है ये जनता जानती है। इसलिए गहलोत जी गलत फहमी नहीं पालें और आपके किसी भी बहकावे में जनता आने वाली नहीं है और आपकी जितनी योजनाएं जो भी चुनाव आता है उससे पहले ही क्यों याद आती हैं, उससे पहले भी तो आप राज में होते हैं, आपने आते ही क्यों लागू नहीं की। अब आपको दिख रहा है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, तो आपको न्याय योजना याद आने लग गई, जनता को फिर से इस बात का गुमराह करने लग गए। इसलिए जनता गुमराह नहीं होगी, निश्चित रूप से देश की जनता प्रदेश की जनता जान चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में इस देश का और प्रदेश का विकास हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, इसलिए आपके उसमें आने वाली नहीं है। जो ये न्याय योजना जो उसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये न्याय योजना की तो जनता, हिंदुस्तान की जनता मोदी सरकार बनाकर न्याय कर चुकी है। जहाँ तक अशोक गहलोत जी के जो आका है, राहुल गांधी जी की ये न्याय योजना थी और उस न्याय योजना को राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ने न्याय देकर इस न्याय योजना के बारे में जनता क्या सोचती वो बता दिया। ये तो हिंदुस्तान की बात रही न्याय योजना की। अब रही बात राजस्थान में न्याय योजना लागू करने की, तो राजस्थान में न्याय योजना लागू जब अशोक गहलोत जी ने जो जुमले दे देकर गरीब बेरोजगारों को भत्ता, किसान कर्ज माफ़ी और सामाजिक सुरक्षा, भामाशाह को मिटाना, भामाशाह कार्ड की मतलब वो इसका रिव्यू करना, जो आयुष्मान योजना को रिव्यू करना, इस प्रकार की जो न्याय कर रहा था इन्होंने, जो न्याय की जो बातें करी थी, उसका आधार ये रहा कि राजस्थान की जनता ने भी न्याय करा और अशोक गहलोत ना केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र में बल्कि अपने वार्ड में और अपने भाग में भी आ रहे और माननीय गजेंद्र सिंह जी वहाँ से जीते, तो राजस्थान की जनता ने भी उनका न्याय कर दिया। अब ये किस प्रकार का न्याय करना जा रहे हैं मुझे नहीं पता। गहलोत सरकार को न्याय ही करना है तो न्याय करे, सामाजिक रूप से उन पीड़िताओं को, अलवर गैंग रेप को न्याय देवे, अजमेर के मतलब जो ये जिस प्रकार के जो गरीब बेरोजगार युवा आज भी ठगासा महसूस करता है, इस देश के आने वाला न्याय तो युवा करेगा साहब, जिसको 3,500 रुपये में भ्रमित कर हमारी संवेदनाओं के साथ, हमारी 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 बेरोजगारी के साथ और हमारी भावनाओं के साथ खेलकर हमें छलावा दिया, उसका न्याय तो जनता कर चुकी है। एक बार तो 25 सीटें देकर कर चुकी है और आगामी न्याय जो निकाय चुनाव है उसमें न्याय करो। हम तो कह रहे हैं आप पहले का जो न्याय है, न्याय शब्द तो जानो, आप न्याय अपने विधायकों से नहीं कर पा रहे हो, आज तक विधायक फंड रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप न्याय अपने कर्मचारियों से नहीं कर पा रहे हो, आप न्याय अपने ठेकेदारों से नहीं कर पा रहे हो, आप न्याय राजस्थान की जनता से पीने का बेसिक बिजली पानी और सड़क इसमें आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। पानी की कटौती, ये तो किसी ने मेरे को भी कहा भी था कि इस बार तो कहते हैं ना कि कांग्रेस और काल का फर्क है, तो किसी ने कहा कि भाई अब की बार तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, देखो कितनी बारिश हुई। तो मैंने ये भी कहा कि मैंने ये बारिश सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और हिंदुस्तान में हो रही है इसका मतलब ये मोदी जी की सरकार है। पूरे 22 राज्यों में से अगर बाढ़ आ रही है तो 22 राज्यों में, पूरे 32 राज्यों में हिंदुस्तान में मोदी सरकार है, तो ये पानी भी मोदी की वजह से ही है। मैं तो भगवान इस जनता के साथ, इंद्र भी खुश है कि जनता ने न्याय किया है। और रही बात इस न्याय की, राजस्थान की सरकार की न्याय की, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 25 लोकसभा में तो न्याय हो ही गया, बचे हुए न्याय, बचा हुआ न्याय की वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि जजमान थारो नाक कटे हो, तो वो कहता नहीं मारे तो 780। तो इस प्रकार की कांग्रेस सरकार है, इतनी बार नाक कटा चुकी है लेकिन फिर भी अभी भी कह रही है हम तो निकाय चुनाव। इन्होंने छलावा किया, डिलिमिटेशन किया, इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया, नेताओं के साथ छलावा किया, डिलिमिटेशन करके इन्होंने डायरेक्ट निकाय चुनाव कराने की बात कर ली मेयर के और उन पदों के।
ये फिर इन्होंने एक तरीके से मतलब छलावा करने की कोशिश करी किसी ये केन प्रकार जो कांग्रेस का कल्चर रहा है कि किसी भी प्रकार से, तो बहुत हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता जाग चुकी है। अब ये छलावे में नहीं आने वाली, धोखे में नहीं आने वाली, पहले भी न्याय कर चुके हैं विधानसभा के बाद लोकसभा में न्याय कर चुके हैं और अब स्थानीय निकाय में भी न्याय करेगी और भरपूर न्याय करेगी और ठोक बजा के न्याय करेगी और न्याय होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जनता ने इस न्याय योजना को पूरा पूर्ण रूप से न्याय लोकसभा चुनाव में किया है क्योंकि ये एक झांसा योजना के अलावा कुछ भी नहीं है। पूर्व में भी राहुल गांधी द्वारा जो वादे विधानसभा चुनाव में किए थे जिसके बहकावे में हमारा राजस्थान की, उत्तर छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जनता आ गई थी कि किसानों का पूर्ण कर्जा माफ़ी होगी, बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, वो आज दिन तक न तो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ ना बेरोजगारों को भत्ता मिला। उससे सबक लेते हुए पूरे देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में इनकी न्याय योजना का हवा निकाल दी और इनके साथ पूरा न्याय किया और इनको घर बैठा दिया। क्योंकि इस न्याय योजना को लागू करने के नाम पर जब इनसे पूछा गया कि इनके लिए पैसा कहाँ से लाओगे तो इनके पास आज दिन तक जवाब नहीं है। वही मेरा प्रश्न वापस अशोक गहलोत जी से है, केवल मात्र निकाय चुनाव को देखते हुए आप न्याय योजना लागू करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए खर्च होने वाले संसाधन, वित्तीय व्यवस्थाएं, उनको किस प्रकार करोगे उसकी कोई योजना न तो राहुल गांधी बता पाए थे और न अशोक गहलोत बता पाएंगे। और निश्चित रूप से ये भी एक झांसा योजना है। पहले इस झांसा योजना के अंदर राजस्थान के किसान और युवा पहले आ चुके, बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज माफ़ी आज तक नहीं हुआ, उसके परिणाम राजस्थान की जनता ने भुगत लिए। 8 महीने में अपराध योजना लागू हुई है, लूट योजना लागू हुई है और पुलिस का भ्रष्टाचार योजना लागू हुई है। न्याय जो है जनता इनके साथ करने वाली है। निकाय चुनाव इनको दिख रहे हैं सर पर, इनको डर है कि निकाय चुनाव का रिजल्ट वही रहने वाला है कि जब ये सत्ता में थे तब भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी अधिकतम निकायों में जीती थी, इस बार भी निकाय में जीतेगी। ये राजस्थान में जो एक बहुत बहुमत के नज़दीक आई हुई सरकार है और ये अब उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें ये बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा राजस्थान में, इसलिए हो सकता है कि इस तरह की योजनाओं से लुभाने की कोशिश करें। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब, पहले तो ये बता दो कि वो जो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ होने वाला था उसका क्या हुआ, बेरोजगारों को जो 3,500 रुपये पर मंथ मिलने वाले थे उसका क्या हुआ, वो सवाल जनता पूछ रही है, इंतज़ार कर रही है। न्याय सबको मिले, न्याय योजना पर काम करो, बहुत अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी ने जो कहा वो पहले वाली बातें पूरी करो फिर इस पर आओ। और मैं कह रहा हूँ न्याय तो पूरा राजस्थान मांग रहा है, रोज़ प्रदेश में घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था लेकर, महिला अत्याचार को लेकर। ये जो सत्ता के दो केंद्र बने हैं अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, ये दोनों इस प्रदेश का भट्टा बिठा रहे हैं और ये जो भट्टा बैठ रहा है प्रदेश का, ये जनता ब्याज सहित कीमत वसूल करेगी। आज न सरकार है, न सरकार की कोई मानने वाले हैं और जिस प्रकार भ्रष्टाचार रोज निकल कर आ रहा है, पांव पांव पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, पांव पांव पर अपराध दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं के प्रति होने वाला अत्याचार दिखाई दे रहा है, न्याय तो इनको दो जो पीड़ित पक्षकार हैं। और इसलिए मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये 72,000 का जुमला देंगे जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और कर्जे माफ़। वो 10 दिन की जगह 8 महीने निकल गए, किसान कर्जे माफ़ी का इंतज़ार कर रहा है, बेरोजगार 3,500 रुपये महीने का इंतज़ार कर रहा है, उसको पहले पूरा करो उसके बाद दूसरा काम करो। लागू हो जाती है तो क्या इनका असर? अगर नहीं नहीं उसकी कोई चिंता नहीं है, पार्टियां चुनाव लड़ती है, हर पार्टी हर सरकार अपने वादों को पूरा करके और चुनाव में आती है, लाभ उठाने की कोशिश करती है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। पर आपने पहले भी कुछ वादे किए थे उनको पूरा करो और ये योजना लागू कर देते, वाकई इससे जनता का भला होता हो तो हमें अपराध नहीं हो। जनता समझ चुकी है कि ये लोग केवल वादे करते हैं, जुमले फेंकते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। ये पहले लोगों का भुगतान करना शुरू करें। इन्होंने पंचायतों में जो बजट जाना था उसको बंद कर दिया। अरे मुझे तो कई अफसरों ने कहा हमारे TADA के पेमेंट बंद हो गए, और यही स्थिति रही तो 2 महीने बाद लोगों की तनख्वाहें बंद हो जाएगी। गहलोत साहब इस प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को देखो, कानून व्यवस्था को देखो, और अच्छी बात है कि आप कुछ भला कर सकते हो तो करो, पर
केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को भी अगर ढंग से लागू कर दोगे तो भगवान आपका भला करेगा।